good morning students today we will study about the chapter singular and plural what do you understand by the word singular a noun that denotes one person place or thing is said to be the singular wo noun jo ek insaan ke hone ka bot karata hai ek जगह के होने का बोध कराता है या किसी एक चीज़ के होने का बोध कराता है मतलब वो एक का होने का बोध कराता है वो सिंगुलर कहलाता है जिसे हम हिंदी में एक वचन भी कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर मैन बेंच कार तो ये चारों आपके एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर के बिकॉज चेयर मतलब होता है एक चेयर मैन मतलब एक आदमी बेंच मतलब एक ही बेंच और कार मतलब एक कार अगर हम कहेंगे कार चल रही है मतलब एक ही गाड़ी चल रही है दो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं दैट इज सिंगुलर मूविंग ऑन टू प्लूरल अ नाउन दैट डिनोज मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग इज सेट टू बी इन द प्लूरल तो जैसा सिंगुलर में कोई भी नाउन एक होने का बोध कराता है वैसे ही प्लूरल में कोई भी नाउन अगर डिनोट करता है कि ये एक से ज़्यादा पर्सन है या प्लेस है या थिंग है या जो भी नाउन है वो एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल वी टेक द सेम एग्जाम्पल्स एज इन द सिंगुलर में था आपका चेयर तो प्लूरल हो जाएगा चेयर्स अगर चेयर मतलब ये चेयर मतलब होता है एक चेयर तो प्लूरल में आपका लग जाएगा चेयर्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स हो गए हैं अब चार चेयर्स हैं मैन मैन होता है आपका बहुत सारे आदमी अगर मैन प्लूर सिंगुलर है तो मैन प्लूरल है बेंचेस एंड कार्स तो इन सब का मतलब होता है कि बहुत सारे चेयर्स बहुत सारे आदमी बहुत सारे बेंचेस और बहुत सारे कार्स नाउ सिंगुलर को प्लूरल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलेंगे इसके लिए क्या रूल्स होते हैं हम वो पढ़ते हैं देर आर वेरियस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल तो वो बहुत सारे रूल्स होते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज रूल्स टू एड एस टू दिंगर नाउंस तो चलिए पहला रूल हम जानते हैं क्या है जो सबसे कॉमन है जो सबसे कॉमन रूल है हम क्या करते हैं सिंगुलर नाउंस में हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं दैट बिकम्स सिंगुलर टू प्लूरल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं बॉय में हमने एस ऐड कर दिया है एंड दैट बिकम्स बॉयज प्लूरल सिंगुलर वर्ड है आपका रूम और हमने इसमें एस ऐड करके उसको बदल दिया है प्लूरल में रूम्स आई बिकम्स आईज हमने इन तीनों वर्ड्स में एस ऐड किया है लास्ट में एंड ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गए हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल इफ़ अनाउन एंड्स इन एस डबल एस एक्स एस एच और सी एच अगर कोई भी नाउन कोई भी नाउन वर्ड है उसके अंत में ये पाँचों साउंड्स आते हैं तो इट्स प्लूरल इज़ फॉर्म बाई एडिंग ई एस तब इसके प्लूरल को फॉर्म करने के लिए इसको प्लूरल में बदलने के लिए हम उसमें लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगुलर वर्ड है आपका यहाँ पे वॉच उसको हम प्लूरल में बदलेंगे तो वो हो जाएगा वॉचेस ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे वॉच के अंत में आ रहा है सी एच बॉक्स के अंत में आ रहा है एक्स गैस के अंत में आ रहा है एस तो जब ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जिसके अंत में या तो एस हो सी एच हो एक्स हो एस हो या डबल एस हो या एस एच हो तो इन सब का प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उसमें लास्ट में ई एस एड कर देते हैं एंड दैट बिकम्स प्लूरल यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉच में हमने ई एस एड किया है तो इट बिकम्स वॉचेस बॉक्स में हमने ई एस एड किया है इट बिकम्स बॉक्सेस एंड गैस में हमने ई एस एड किया है इट बिकम्स गैसेस कमिंग टू द नेक्स्ट रूल इफ अनाउन एंड इन वाई एंड देर इज़ अ कॉन्सनेंट बिफोर वाई एंड प्लूरल द प्लूरल इज फॉर्म बाई चेंजिंग वाई इन टू आई ई एस सो क्या होता है अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई से एंड करते हैं बहुत सारे वर्ड्स जैसे आर्मी डेरी यहाँ स्टोरी वी हैव गिवेन यू थ्री एग्जाम्पल्स इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखिए लास्ट में इन तीनों वर्ड्स के वाई आ रहा है अब क्या होता है कि अगर उस नाइन उस नाउन में वाई के पहले अगर कॉन्सनेंट लेटर है लाइक फॉर एग्जांपल इन आर्मी वाई के पहले एम है और एम इज़ अ कॉन्सनेंट इट इज़ नॉट अ वॉवल तब इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम वाई हटा करके के आई ई एस लगा देते हैं उसकी जगह एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे आर्मी में से वाई को हटा देंगे और वाई की जगह हम लिखेंगे आई ई एस देन ये हो जाएगा आर्मीज और ये बन जाएगा प्लूरल सो so, आर्मी बिकम्स आर्मीज डेरी बिकम्स डेरीज सिमिलरली स्टोरी बिकम्स स्टोरीज अब अगर उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना हो करके वॉवेल होता तो हम क्या करते इफ़ अनाउन एंड इन वाई एंड देर इज वावल बिफोर वाई अगर वो वाई में एंड कर रहा है अगर कॉन्सनेंट होगा उस वाई के पहले तो हम वाई हटा के आई ई एस एड करते हैं जैसे कि हमने भी देखा और अगर वाई से पहले वावल है जैसे की में बॉय स्टोरी इन तीनों वर्ड्स में वाई के पहले वावल है वाई के पहले ई है की में वाई के पहले ई है एंड दैट इज़ अ वावल बॉय में हम देखें तो वाई के पहले ओ है एंड दैट इज़ अ वावल स्टोरी में वाई के पहले ई है एंड दैट इज़ अ वल तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें वाई एंडिंग वर्ड्स हैं और उन वाई एंडिंग वर्ड्स के जस्ट पहले वावल्स हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म करने के लिए द प्लूरल इज़ फॉर्म बाय एडिंग एस टू इट तो हम इसमें सिंपली एक एस ऐड कर देंगे

अगर आपको सिंगुलर वर्ड मैंगो को प्लूरल में तब्दील करना है आप मैंगो के बाद बस ई एस लगा देंगे इट विल चेंज इन टू प्लूरल सो मैंगो हियर बिकम्स मैंगोज पोटैटो हियर बिकम्स पोटैटोस टोमैटो हियर बिकम्स टोमैटोज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल सो कुछ पैटर्न्स हमने देखे कि अगर इसमें एंड करता है तो हम ये ऐड कर देंगे अगर ऐसा एंड करता है लास्ट में तो वाई एंडिंग के लिए हम ये कर देंगे अगर एस एंडिंग करता है तो हम उसमें ये लगा देंगे प्लूरल बन जाएगा बट अगर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे द प्लूरल ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन एन इरेगुलर मैनर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई मैनर नहीं होता है तो वो हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो एक इरेगुलर मैनर में है ठीक है लाइक यहाँ देखिए मैन मैन का प्लूरल होता है मैन फुट का होता है फीट टूथ का होता है टीथ तो हम जब बोलते हैं फीट मतलब होता है हमारे दोनों फीट फुट मतलब होता है एक फुट टूथ आपका एक हो, हो गया टूथ और टीथ हो जाते हैं सारे के सारे दांत ओके okay? या बहुत सारे दांत सम नाउंस डू नॉट चेंज इन द प्लूरल ऑल्सो और ऐसे भी वर्ड्स हैं जो प्लूरल में चेंज करते ही नहीं हैं ठीक है कुछ चेंजेस आते ही नहीं है सिंगुलर में भी वही वर्ड रहते हैं प्लूरल में भी वही वर्ड रहते हैं द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल तो ये जो आपको अभी वर्ड्स दिए गए हैं डियर फिश एंड शीप इन तीनों सिंगुलर में भी यही रहते हैं और प्लूरल में भी यही रहते हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं उनका सेम फॉर्म रहता है ठीक है नाउ यू हैव बिन गिवन सम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट द प्लूरल ऑफ़ द फॉलोइंग नाउन्स अब जैसा आपको हमने रूल्स बताए हैं वैस उस हिसाब से आप इन नाइन वर्ड्स के प्लूरल नाउन्स लिखेंगे आप इनमें देखिए कि कौन ई e से एंड कर रहे हैं कौन सी एच से एंड कर रहे हैं किसके लास्ट में ओ है किसके लास्ट में वाई है अगर लास्ट में वाई है तो उसके पहले क्या है है या नेंचावल है एंड अकॉर्डिंगली आप रूल्स से देखिए मैच कीजिए और फिर उसको बना करके कॉपी में सबमिट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इरेगुलर मैनर ऑफ़ रूरल ऑफ़ द फॉलोइंग नाउंस अब ये जो आपको फाइव वर्ड्स दिए गए हैं इनमें वो रूल्स नहीं है ये इररेगुलर मैनर जो अभी हमने आपको बताया था कि कुछ नाउंस होते हैं वो इेगुलर मैनर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको वो लर्न करना रहता है और आपको उसको लिखना है सो थैंक यू स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे